हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वृश्चिक लग्न में शुभ और अशुभ ग्रह कौन कौन से हैं, और जो शुभ ग्रह हैं उनके उपाय करने चाहिए या नहीं, और जो अशुभ ग्रह हैं उनके क्या उपाय करने हैं। दोस्तों, वृश्चिक लग्न का स्वामी होता है मंगल, जो कि नैसर्गिक पाप ग्रह। सूर्य, मंगल, शनि ये नैसर्गिक पाप ग्रह हैं। चंद्रमा, शुक्र, बुध और गुरु ये नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। चंद्रमा और बुध के संबंध में और भी शर्तें लगती हैं कि चंद्रमा जो है वो पक्ष बलि देखा जाता है। वो अगर शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक है तो शुभ है, अर्थात कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक है तो वो अशुभ है, मतलब निर्बल माना जाएगा। और बुध है वो नपुंसक ग्रह है, वो जिस ग्रह और भाव राशि में बैठेगा उसके अनुरूप फल देगा, स्वतंत्र रूप से उसके कोई फल नहीं है। तो जो नैसर्गिक पाप ग्रह हैं उनमें से मंगल भी एक है। हम यहाँ पे राहु और केतु की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो छाया ग्रह हैं, उनके स्वतंत्र रूप से कोई परिणाम नहीं होते, कोई फल नहीं होते, वो छाया ग्रह हैं। वो जिस भाव राशि ग्रह के साथ है, युति में है, दृष्टि में है, वो नक्षत्र में उसी तरह का फल देंगे आपको, तो उनकी चर्चा यहाँ पे नहीं है। केवल यहाँ पे सात ग्रहों की चर्चा होगी। और वृश्चिक लग्न वालों का जो स्वामी है वो मंगल बनता है, और मंगल एक नैसर्गिक पाप ग्रह है, और मंगल इस कुंडली के अंदर पहले और आठवें का स्वामी बनेगा। पहले का और आठवें का स्वामी होने से क्या है, मंगल लग्नेश है तो लग्नेश हमेशा शुभ ही होता है, और वो केंद्र का भाव भी पड़ जाता है पहला, हालांकि त्रिकोण में भी आता है, लेकिन वहाँ पे आने से उसकी शुभता बढ़ेगी, तो अष्टमेश का जो फल है वो नहीं मिलेगा। मंगल जिनका होता है वो लोग थोड़े से क्या है, उतावलेपन में ज़्यादा रहते हैं, या क्रोध ज़्यादा करते हैं, या ये है थोड़ा चिड़चिड़ापन रहता है, झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन अपनी बात को मनवाने में और सही बात के लिए अडिग भी होते हैं। इस तरह की चीज़ें मिलती हैं क्योंकि कुंडली का पहला भाव आप स्वयं के बारे में, खुद के बारे में, और जो कि आपकी पूरी कुंडली को बताता है आपके बारे में। तो मंगल इस लग्न में हमेशा ही शुभ रहता है, उसके अच्छे फल ही देखने को मिलेंगे आपको हमेशा। इससे अगला ग्रह है वो है चंद्रमा। चंद्रमा इस लग्न में नव भाव का स्वामी बनता है, जो कि भाग्य भाव है, और लग्नेश का परम मित्र है। परम मित्र होने से, त्रिकोण के सबसे श्रेष्ठ भाव में होने से बहुत अच्छा और शुभ फल देगा चंद्रमा। यहाँ पे जबरदस्त परिणाम देखने को मिलेंगे आपके इन लोगों को भाग्य के संबंध में। इनका ये लोग धार्मिक भी मिलेंगे, धर्म कर्म पुण्य में विश्वास करने वाले मिलेंगे, परंपराओं को मानने वाले मिलेंगे, माता पिता की सेवा करने वाले या उनके आज्ञाकारी बच्चे मिलते हैं। जीवन में इनको पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिलता है। ये विदेश की भी यात्राएं करते हैं या लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं, विदेशों से लाभ कमाते हैं, और धर्म कर्म में इनका पूरा भरोसा होता है, तीर्थ यात्राएँ भी करते हैं, और समाज भी इन्हें खूब सम्मान देता है, इनकी हर बात फलती है। मतलब ये हुआ चंद्रमा इस लग्न के लिए अति शुभ ग्रह माना जाएगा। अब हम बात करें दोस्तों यहाँ पे सूर्य की, तो सूर्य यहाँ पे दशम भाव का स्वामी बनता है। अब दशम भाव का स्वामी बनने से सूर्य यहाँ पे बहुत अच्छे फल देगा, क्योंकि दशम केंद्र का भाव है, दूसरा वो लग्नेश का परम मित्र है, दोनों अग्नि तत्व हैं, शक्ति जबरदस्त है, डबल हो जाती है। ऐसा आदमी गवर्नमेंट के टॉप पोजीशंस पे पहुंच सकता है, सरकार से खूब या राज्य से खूब मान सम्मान प्राप्त होगा, समाज में भी इज्जत खूब होगी, नौकरी हो या कारोबार हो खूब नाम कमाया जाएगा, राजनीति में भी नाम कमाया जाएगा, माता पिता के लिए भी ये शुभ रहेगा, और जीवन में हर क्षेत्र में बढ़ने के लिए शुभ है, और कर्म में आपका मन लगता है, आपको कर्म करने में संतुष्टि मिलेगी, और आप अपने जीवन में छा लेके जा रहे हैं वो भी पूरी होती हैं। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं सूर्य लग्नेश का मित्र होने से और शुभ भाव का स्वामी होने से सूर्य इस लग्न में अति शुभ रहेगा, बहुत ही अच्छे फल देखने को मिलेंगे आपको। अब इससे
अगला ग्रह है वो है बुध। अब बुध की बात करें, बुध यहाँ पे स्वामी बनेगा आपका अष्टम का और एक बनेगा 11वें भाव का। अब अष्टम वैसे भी शुभ भाव नहीं है, दुष्ट भाव है, और 11वां तीर्थदाय अशुभ भाव है। दोनों अशुभ भावों का अधिपति होकर बुध से आप अच्छे फलों की उम्मीद ना करें। यहाँ पे बुध आपको अशुभ फल ही देगा। वो आपके जीवन में आपके हर कार्य में बाधा डाल सकता है, किसी कार्य में के को अंत तक या अंजाम तक ना पहुँचना, उनमें रुकावट, या आपको फाइनेंशियली थोड़ा बहुत गेन कर सकता है, लेकिन बहुत सूझबूझ समझ से काम करेंगे तो, अन्यथा मेजोरिटी ऑफ केसेस में ये शुभ नहीं है। हेल्थ वाइज भी सीरियस प्रॉब्लम्स देता है, आपका पैसा अटकाना है वो भी, आपकी आयु को भी छीन करता है और आपके हर तरह के कार्य में बाधा क्रिएट करता है, क्योंकि वो लग्नेश का भी परम शत्रु है और अशुभ भाव का स्वामी है। तो इन लग्न वालों के लिए बुध बिल्कुल भी शुभ नहीं रहेगा, पूर्णतः अशुभ ग्रह। अब दोस्तों हम बात करें यहाँ पे शुक्र की। शुक्र यहाँ पे 7वें और 12वें का मालिक हो गया है। 7वां मार्क भाव है, केंद्र का भाव है, शुभत्व का भाव है। शुभता यहाँ पे न्यूट्रल होगी, तो थोड़ा कमी आएगी। फिर वो 12वें भाव में जाके एक वहाँ पे दुष्ट भाव है जो अशुभ भाव है, वहाँ जाके बैठ जाना शुक्र का। एक तो मार्ग भाव का स्वामी हो जाना, इधर उधर बैठ जाना 12वें भाव का, अशुभ भाव का मालिक होना और फिर लगने से शत्रुता होना, ये शुक्र की अशुभता के लिए काफ़ी है। शुक्र यहाँ पे आपको जीवन में कर्ज बढ़ा सकता है, आपकी बदनामी कर सकता है, आपके जेली योग हो सकते हैं, आपको अस्पताल में जाना पड़ सकता है, आपको फिजिकल रिलेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या विदेश से आप संबंधित हैं या कोई काम कर रहे हैं जाना चाहते हैं तो उनमें भी प्रॉब्लम देता है। ऐसे योग बनते हैं इन लग्न वालों के लिए। और साझेदारी के व्यापार में या पति पत्नी संबंधों में भी बड़े विवाद देखने को मिल सकते हैं, और जनता के साथ भी, ये कहीं या सोसाइटी के साथ भी आपको कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। विदेशों में तो खासकर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति शुक्र इन लग्न वालों के लिए क्रिएट कर देता है। तो आप ये कहें कि शुक्र इस लग्न में कैसा होगा, तो मेरी ओपिनियन में बिल्कुल शुक्र यहाँ पे किसी भी तरह से शुभ नहीं है इन लग्न वालों के लिए। तो दोस्तों ये हो गया आपका। अब जो है हम बात करते हैं इसके साथ शनि की। दोस्तों शनि जो है इस कुंडली में तीसरे और चौथे भाव का स्वामी बनता है। अब तीसरे भाव का और जो चौथे भाव का स्वामी बन रहा है, तीसरा तीसराय हाउस है वो अशुभ है और अशुभ ग्रह वहाँ जा रहा है, अशुभता तो बढ़ रही है। चौथे में यहाँ पे आके न्यूट्रल हो रहा है, लेकिन लग्नेश का शत्रु होने के कारण यहाँ पे उसको बल नहीं मिलेगा और वो भी अपने अशुभ फल देगा। आपको अपनी संपत्ति के लेके कोई विवाद हो सकता है, मकान वाहन की, आपको वाहन चलाते समय कोई दुर्घटना या उसका शुभ नहीं होना, या मकान खरीदने में देरी होना, या वो मकान आपको फलित ना होना, घर में भी अस्थिरता या तनाव का माहौल होना, घर में दुखों का बार बार आना, इस तरह की स्थिति, या आपको छोटी मोटी यात्राओं के लिए इधर उधर भटकना, दोस्तों परिवारों समाज से कोई आपको लाभ नहीं मिलना, समाज के साथ आपके जो संबंध है वो भी बिगड़ जाए, या आपके माता पिता की हेल्थ कंटिन्यू ख़राब रहे, इस तरह की स्थिति है, वो शनि आपको यहाँ से बड़ी गंभीरता के साथ देगा। तो शनि यहाँ पे ज़्यादा शुभ नहीं कहा जा सकता है। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं आपके बृहस्पति की। बृहस्पति यहाँ पे दूसरे और पांचवे का स्वामी बनेगा। बृहस्पति इस लग्न का परमित्र है और वो दूसरे भाव का स्वामी है। मैंने कहा कि दूसरे भाव का स्वामी जो भी होगा, एक तो वो नैसर्गिक शुभ है या अशुभ है उसके अकॉर्डिंग फल देगा, तो यहाँ पे शुभ हुआ तो शुभ फल देगा। अब दूसरी शर्त ये कि वो जिस भाव से जुड़ेगा वो उस भाव के फल देगा। अब वो पांचवें भाव से जुड़ गया है तो शुभ फल देगा, त्रिकोण का स्वामी हो गया है। तो बृहस्पति यहाँ पे पूर्णतः ही शुभ फल देगा। वो आपकी आय में वृद्धि करेगा, आपके परिवार में, आपके अच्छे घर में शादी होगी, आपको जीवन साथी अच्छा मिलेगा, आपको समय से संतान होगी और संतान स्वस्थ रहेगी और आप आगेकारी संतान होगी। धन के मामले में बहुत बढ़िया रहेगा, आपके पास अनेक स्रोतों से धन आएगा, आपकी खूब अच्छी बचत होगी, आप खूब समाज में नाम कमाएंगे, सबके साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, वाणी में मिठास रहेगा, ज्ञान आपके मुँह से बरसेगा और आपकी इंटेलिजेंस बहुत बढ़िया काम करेगी,
आपकी शिक्षा अच्छे स्तर की होगी, आपका धर्म कर्म पुण्य में भरोसा रहेगा, आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपका ज्ञान पूरा आपका साथ देगा, आप उसका पूरा सदुपयोग कर पाएंगे। ये बृहस्पति यहाँ पर देगा आपको। तो बृहस्पति यहाँ पर बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत ही बढ़िया है इस लग्न वालों के लिए। दोस्तों ये मैंने आपको बताया बृहस्पति के बारे में भी, और सभी शुभ और अशुभ ग्रहों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि जो अशुभ ग्रह हैं उनका क्या करें। जो अशुभ ग्रह हैं उनके कोई भी चीज़ आप धारण ना करें, वो चाहे कोई माला हो या कोई यंत्र हो या घर में कोई मूर्ति स्थापना करना हो या कोई रत्न पहनना हो, वो बिल्कुल भी ना करें। केवल ऐसा करेंगे तो आप उनको मजबूत करेंगे और वो आप पर ज़्यादा शक्ति से प्रहार करेंगे या आपको ज़्यादा परेशानी पैदा करेंगे। आप उनके रत्न भी धारण ना करें बिल्कुल। आपको ये करना है कि आप उनके केवल दान करिए या उनकी पूजा करिए, आराधना करिए, मंत्र जप करिए, अनुष्ठान करवाइए, यही आपके लिए लाभदायक है। और जो आपके शुभ ग्रह हैं उनका कोई भी वस्तु आपको दान नहीं करनी है। और आप उनकी कोई वस्तु घर में स्थापित करें या कोई रत्न धारण करें, यंत्र, रुद्राक्ष, रत्न, जो भी धारण करना है वो जी खोल कर करें, वो आपको ग्रहों की शुभता बढ़ाने में बहुत सहायक होंगे और आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों ये मैंने बताया वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ और अशुभ ग्रह और उनके उपाय। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें। और आपको कोई भी किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी वो वीडियो आप तक बनाकर पहुँचाएँ। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।